अजनाला हिंसा तो बाद अमृतपाल ते केंद्र दा शिकंजा। तो दस दिए कि अमृतपाल ते केंद्र दा हुण शिकंजा भी नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट अमृतपाल दा बैन कर दिता गया। वारिस पंजाब दा मुखी है अमृतपाल सिंह अकाउंट ते लिखिया आंदा है सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल। तो दस दिए कि फिलहाल बैन कर दिता गया वारिस पंजाब मुखी अमृतपाल का इंस्टाग्राम अकाउंट। जिस तरह के नाल अजनाला हिंसा हुई उस तो बाद जिथे लगातार सियासतदान सवाल खड़े कर रहे हैं अमृतपाल ते उसके साथियों से कार्रवाई की मांग हो रही है और माहौल खराब करने के कितना कितने इल्जाम लग रहे हैं। इस विचकार कंगना रनौत का बयान सामने आता है कि खालिस्तान के मुद्दे से मैं अमृतपाल नाल गलबात लई तैयार हाँ, पर दूजे पासे हुण अमृतपाल ते केंद्र सरकार दा शिकंजा भी नजर आ रहा है। दरअसल अमृतपाल सिंह दा इंस्टाग्राम अकाउंट मुड़ तो बैन कर दिता गया है ते भारत दे विच अमृतपाल दा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होया है। वारिस पंजाब दा मुखी है अमृतपाल सिंह और अकाउंट ते हुण जे तुसीं खोलोगे इंस्टाग्राम ते सर्च करोगे उत्थे अमृतपाल सिंह तो उत्थे ही लिखिया आएगा कि सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल। तो दस दे कि अमृतपाल सिंह दा हुण इंस्टाग्राम अकाउंट मुड़ तो बैन हो चुका है क्योंकि काफ़ी ये मामला पकदा जा रहा है। खास तौर पर जो अजनाला हिंसा हुई सी जदों तूफान सिंह की रिहाई नूं लैके अपने साथियों समेत पालकी साहब की हजूरी विच थाने का घिराओ किया सीगा अजनाला थाने का अमृतपाल ने और उस तो बाद जो उत्थे हंगामा होया तो यह भी किया जा रहा है कि बेअदबी उन्हां वल्लों की गई है जबकि अपने ते लग रहे सारे इल्जाम ते खुल के बोल रहे हैं अमृतपाल। और हुण दस दिए कि केंद्र सरकार का जरूर एक्शन अमृतपाल से नजर आया है। अमृतपाल सिंह का इंस्टाग्राम अकाउंट मुड़ तो बैन कर दिता गया है। तो भारत में अमृतपाल का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिता गया है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब का मुखी है तो वारिस पंजाब का मुखी अमृतपाल सिंह जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिता गया है। साढ़े नाल भाजपा आगू हरजीत गरेवाल जी जुड़ चुके हैं। तो गरेवाल साहब हुण केंद्र सरकार अमृतपाल से एक्शन लेंदी हुई नजर आ रही है। अमृतपाल का इंस्टाग्राम अकाउंट भी मुड़ तो बैन कर दिता गया केंद्र सरकार वालों। देखो ये एक्शन नाल कुछ नहीं होएगा। ये खिलाफ का सख्त कार्रवाई होवे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होवे। इसने सब बड़ी साढ़े गुरु साहब की श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है। उन्होंने सारा वोट आसरा लैके इन्हें जाके पुलिस और इन्हें पत्रकारों को जख्मी किया। मैं वो जिहड़े पुलिस मुलाजम ने पत्रकार ने उन्होंने हमदर्दी प्रकट करना और इस वर्जन सख्त तो सख्त केस दर्ज होना चाहिए और ये डीजीपी तक में धमकियां दिंदा। इहदा तां इस पूरे सोशल मीडिया तो बाइकआउट होना चाहिए। इसकी कोई कवरेज नहीं होनी चाहिए और इन्हें समाज तो अलग थलग करना चाहिए। ये समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। इस वे जिस तरह की आलोचना करता और इनू जी इजाजत दे रहे हैं पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस, मैं समझना है बहुत बड़े गुनाहगार है पंजाब सरकार भी। वो नहीं देनी चाहिए और एदा इंस्टाग्राम बैन किया बहुत अच्छी गल हुई है। बाकी भी फेसबुक तो भी और सब तो इनू हटाना ठीक है। बिल्कुल गरेवाल साहब तुम कह रहे हो कि पंजाब पुलिस जो कार्रवाई है सख्त करनी चाहिए पर जिस तरह के नाल बीते कल तूफान सिंह की रिहाई हुई है हंगामा होया सीगा और जिस तरह के नाल उते हंगामा होया पर हाले तक ना तो कोई इस मामले में FIR दर्ज हुई है जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि असी जरूर सबूतों के आधार पर कार्रवाई करांगे। सरकार मिली हुई है पंजाब सरकार से केजरीवाल इस प्रमोट कर रहे हैं और ये अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। इस करके सारा काम हो रहा। यह अमृतपाल भी पता हैगा उसके नाल गलबात करके ही उन्होंने लिया गया। नहीं तो अमृतपाल कोई ना तो धार्मिक आगू आ ना ही वो सिख पंथ का। वो कहना मैं नशे छुड़ा अरे नशे का तू लवाएगा सारे नार्को टेररिज्म चाहेगा। भाई तू कोई जिले काम करना है अच्छे नहीं कर रहा तेन तो पता ही नहीं तू की करी जाने। इस करके ठीक है गरेवाल साहब कंगना रनौत हुण सामने आए ने अदाकारा ने और उन्होंने खुली चुनौती दी है कि मैं अमृतपाल नाल खालिस्तान दे मुद्दे ते गलबात लई तैयार हां। इसनूं किस तरह दे नाल देख रहे हो? आके मैनूं कंगना रनौत ते कोई लड़की आ उहदे ते की मैं कमेंट्स करां उहनूं पता कुछ है नहीं गा। अमृतपाल नाल खड़े खालिस्तान दे मुद्दे ते गल ये अमृतपाल कोई गल्ला मत ना मनने वाला। अमृतपाल तो सीधा जेल होगा और इसे सख्ती होगी फिर मनूंगा। ये कंगना रनौत को कहो कि सिक्योरिटी सामना कर मैनू ये चंगी नहीं लग रही गल्ला। इस वे सूबे के हालात बिगाड़े जा रहे हैं और साढ़े जिहड़े बच्चे आ
पंजाब का यूथ है उन्होंने हत्यावान होनी ने उन्होंने मारे जाने हैं उन्होंने योजना हैगी है सारी।